हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स में मेनली स्पेशली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने बहुत पहले भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, क्लास 6 से आई थिंक, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो लेकिन उसके बाद हमने पता नहीं कितने सारे तरीके इसको निकाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए, बट हम यहाँ पे बात करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम मेनली डिटर्मिनेंट्स है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट में एक मेन एप्लीकेशन इसकी आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट से कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, हमने क्लास 10th में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, उसी एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, तो वो फॉर्मूला क्या था, पहले हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आपने क्या किया था, देखिए, ए बी सी अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिखते थे एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, पहले देखिए ये जो जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होते थे इनको हम बाहर रखते थे, जैसे x1 फर्स्टली इसका x1 लिया, तो अगले के y से उसके अगले के y को माइनस करते थे, जैसे x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर अगला x2 लेते थे, फिर इसके y से अगले y को माइनस करते थे, तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू x3 x3 हो गया, तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो ये एक फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। और वैसे भी देख लिए, अगर आपके पास ऐसे आपको याद नहीं रहता तो ऐसे भी सीक्वेंस याद रखने की बात है, अगर बाहर 1 है तो 1 2 3, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 के आगे 2 आता है, 2 के आगे 3 आता है। ठीक है, उसके बाद 2 से स्टार्ट होएगा तो 2 के आगे 3, और 3 के बाद क्योंकि नंबर 3 ही है तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 2 3 1। ठीक है, और उसके बाद 3 से स्टार्ट जो होगा उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 1 एंड 2। ठीक है, 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। ठीक है, बाहर एक्स ही रहेंगे, अंदर वाई वाई रहेंगे, ठीक है, बीच में माइनस आएगा सब में। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में ये हमने किया था। ठीक है, लेकिन आज हम इसको देखिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर इसी को ही हम लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ये हाफ तो एज इट इज, ठीक है, और इसी को ही मैं लिख रहा हूँ, देखिए x1, ये जो आपके पास x1 x2 और x3 हैं, ये जो बाहर हैं इनको मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए x1 x2 x3, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y1 y2 और y3, या यहाँ पे 1 1 1। आप इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन करेंगे तो देखेंगे यही मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये इसके इक्वल कैसे है तो हम करके देख लेते हैं। देखिए 1 बाई 2 तो बाहर है, ठीक है, और अब आपको इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है तो कहीं से भी ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, चाहे आप यहाँ से करना तो ऐसे ही कर लो। ठीक है, अगर आप C1 से ओपन करना है, क्योंकि C1 में देखिए X1 X2 X3 बाहर हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो X1 अगर आप इसको ले रहे हो तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आपके पास इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, दिस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा y2 इंटू 1, क्या आया बेटा y2, फिर माइनस y3 इंटू 1, क्या आएगा y3। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट टर्म आ गई ना, ये वाली फर्स्ट टर्म आ गई। अब इसी तरह से देखिए x2, ठीक है, x2 लिखना है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या चेक करना है, पहले सबसे पहले साइन चेक करना है, तो ये कौन सी पोजीशन होती है, 2 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 पोजीशन होती है, ठीक है, a 2 1 है ना, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a 2 1 है, तो यहाँ पे ऑड बनने वाला है, तो ऑड बनेगा तो इसलिए माइनस आएगा पहले बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x2 लिखेंगे हम, x2 लिखेंगे, ये रो गया ये कॉलम गया, तो अपने पास y1 इंटू y1 क्या होएगा,
वाई वन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई थ्री, ठीक है, वाई वन माइनस वाई थ्री, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए अगला एक्स थ्री, ये वाली पोजीशन आएगा, तो एक्स थ्री क्या होगा, ये थ्री वन पोजीशन है, तो ये प्लस का होगा बेटा, ये प्लस का होगा, तो एक्स थ्री इंटू ये प्लस का हो गया, तो ये और ये स्ट्राइक आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, ये वाला बचा। अब देखिए इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहाँ चेंजेस है, देखिए एक्स वन, एक्स वन, वाई टू माइनस वाई थ्री, ये पहली टर्म सेम है लेकिन यहाँ पे माइनस है, लेकिन या वाई वन वाई थ्री माइनस वाई वन है या वाई वन माइनस वाई थ्री है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस माइनस को अगर आप एडजस्ट करोगे तो ये याद आ जाएगा, और थर्ड टर्म तो बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसको आप एक स्टेप में और इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके साइन को, ये वाई टू माइनस वाई थ्री, और ये देखिए इधर अगर आप प्लस लगाएंगे, अंदर से माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस हो जाएगा, और वाई थ्री किसका हो जाएगा बेटा, सॉरी एक्स टू बार लिखना था, तो वाई थ्री माइनस वाई वन हो जाएगा, ठीक है, इसका साइन चेंज कर दिया, और प्लस एक्स थ्री, ये तो था ही अपने पास, ठीक है। तो देखिए बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इसी के इक्वल है, ये वाला देखिए, तो इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट सीधा सा एक डिटर्मिनेंट इसको लिखेंगे और इसी को एक्सपेंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, देखिए बेटा यहाँ पे तीनों पॉइंट्स, जो तीनों पॉइंट्स है उसका एबसिसा यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको इसमें लिखना है फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, और जो वाई ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट जिनको बोलते हैं यानी वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको सेकेंड कॉलम में लिखना है, और थर्ड कॉलम आपका हमेशा क्या होगा, वन वन वन, ठीक है, ये वन 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 ही लिखना है आपको, ठीक है। तो समझ गए, बार हाफ लगाना है, डिटर्मिनेंट क्या, जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के क्या, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम में, जो वाई कोऑर्डिनेट हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वो सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम वन वन वन, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट जो करने के लिए आएगा क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन आपके पास दिए हों तो, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग हैविंग कोऑर्डिनेट्स, हैविंग कोऑर्डिनेट्स, हैविंग कोऑर्डिनेट्स, सपोज आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं, लेट्स टेक 2.7, 2.7, 1.1 एंड आपके पास आ जाएगा 10.8, 10.8। मैंने एनसीईआरटी का एक कोई क्वेश्चन उठाया यहाँ पे, तो ये इधर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, तो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स के एक्स जो हैं वो इस पोजीशन में, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिख देना है, एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बोलिए एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री और वन वन वन, ठीक है। तो बताइए हाफ एक्स वन, एक्स वन क्या, देखिए 2.1.10 ये लिखना है ना, 2.1.10 जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख दीजिए, 7.1.8, 7.1.8 और वन वन वन, ठीक है, कितना आसान है, बस इसको एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम में और वाई कोऑर्डिनेट को बी कॉलम, सॉरी सी टू कॉलम में, और उसके बाद सी थ्री कॉलम में आपको वन 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 लिखना है और इसको इवेलुएट कर देना है। अगर देखिए तो इवेलुएट करेंगे हम इसको, तो वन बाई टू तो बाहर है, ठीक है, इसके बाद अपने पास टू इंटू, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, पिछले स्टेप को ऊपर लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, तो टू इंटू ये मेरे पास बना वन माइनस एट, वन माइनस एट, मैं आर वन से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ
सेवन, ये माइनस का हो जाएगा सेवन, और इसके बाद आ जाएगा वन माइनस टेन, और लास्टली वन एट माइनस टेन। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको आप लेंगे, ये टू लेंगे तो टू ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वन माइनस एट हो गया। फिर इस सेवन को लेंगे तो माइनस सेवन का हो जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो वन इंटू वन वन, वन माइनस टेन। ठीक है, और थर्ड में वन को लेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एट माइनस टेन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको इवेलुएट कर सकते हैं, देखिए टू इंटू वन माइनस एट क्या होता है, माइनस सेवन होता है। ठीक है, माइनस सेवन इंटू ये कितना हो गया, माइनस का नाइन हो गया वन माइनस टेन, और प्लस वन इंटू एट माइनस टेन कितना हो गया बेटा, माइनस का टू हो गया। तो आप इसको इवेलुएट कीजिए, टू सेवन जा फोर्टीन माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा नाइन सिक्स जा सिक्सटी थ्री, और ये हो जाएगा माइनस का टू। ठीक है, तो वन बाई टू माइनस फोर्टीन प्लस सिक्सटी वन, ठीक है, सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटी टू हो गया। ठीक है, और इसको आप सिक्सटी वन से अगर आप फोर्टीन को क्या करना है, आपको माइनस करना है, लेकिन आएगा प्लस का। ठीक है, तो फोर्टीन माइनस किया तो आपके पास फोर्टी सेवन आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये देख लीजिए फोर्टी सेवन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया फोर्टी सेवन बाई टू, है ना, क्या एरिया है ना ये, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर यूनिट्स लगा देने का है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया आया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 47 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको डेसिमल में भी लिखना है तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो फ्रैक्शन में भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखते हैं और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं मेनली। देखिए बेटा की पॉइंट्स हैं कुछ रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तीन पॉइंट हैं आपके पास, आपको इनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ एरिया जो है किसी भी चीज़ का हम निकालते हैं या किसी भी फिगर का हम निकालते हैं तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब एक मैग्नीट्यूड होता है। उसमें अगर आप लिखेंगे कई बार कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर अपने पास माइनस फिफ्टीन स्क्वायर यूनिट आया तो उसका कोई सेंस नहीं होगा। माइनस फिफ्टीन स्क्वायर यूनिट कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल हो ही नहीं सकता बेटा। अगर ट्राइंगल है तो उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, और अगर ट्राइंगल नहीं है यानी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल नहीं है, तो उसका एरिया तो जीरो ही आएगा, लेकिन नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बैठता है। ठीक है, एरिया में तो एरिया इसे एक मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, जिसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो इसका मतलब कभी कभी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इस तरह से आ गया, आपने कैलकुलेट किया और आपके पास आ गया सपोज माइनस थ्री स्क्वायर यूनिट, माइनस थ्री स्क्वायर यूनिट्स, तो इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, माइनस थ्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जब एरिया निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो 47 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स आया तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आ जाता तो भी हम पॉजिटिव करके ही इसका आंसर लिखते, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है आपको। क्या लेना है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है आपको सिर्फ वैल्यू वैल्यू से मतलब है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में नेगेटिव साइन कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो इसीलिए आप अगले स्टेप में आपको ये लिखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इस तरह से, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हुई है। ठीक है, तो माइनस थ्री स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, थ्री स्क्वायर यूनिट्स ही होगा। ठीक है, तो आपको जब जब एरिया पॉजिटिव निकले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पॉजिटिव ही लिखना है आपको, लेकिन जब नेगेटिव कभी एरिया आ जाए कैलकुलेशन में, क्योंकि नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ गए तो इसका मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसको आगे लिखना है पॉजिटिव करके, थ्री स्क्वायर यूनिट्स, यानी ऐसा जो भी नेगेटिव नंबर आएगा तो उसको पॉजिटिव कर लेना है, उसका मॉडुलस ले लेना है, या एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो लेना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव फीलिंग है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। क्लियर है, तो ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट था। सेकंड की पॉइंट देखते हैं हम। देखिए सेकंड की पॉइंट है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि एरिया गिवन हो और आपके पास उसका कोई एक कोऑर्डिनेट का कोई कोऑर्डिनेट मिस किया हुआ है, उसमें एंट्री मिसिंग है,
तो वो ऐसे कई बार हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा पहले, कि एग्जांपल से आप चीज़ को बेटर फील कर सकते हो, ठीक है। तो आप एग्जांपल देखिए, आपके पास सपोज एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल भी ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये 2-6, 5.4, और इधर लिख दिया मैंने k.4, ठीक है, k.4। यानी देखिए k गायब है, लेकिन इसमें कुछ तो दे रखा होगा ना। इसमें मुझे ये दे रखा है कि इसका जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स है। कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो वी हैव टू फाइंड k, ठीक है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में इफ एरिया इज गिवन, तो एरिया तो गिवन है ना, एरिया तो गिवन है, तो यूज बोथ एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव भी लेनी है और नेगेटिव भी लेनी है, दोनों लेनी है। क्योंकि देखिए हमने पिछले ही अभी इससे पिछले नोट्स में किया था कि कई बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आ सकती है, तो उसको हमने 3 करके देखा पॉजिटिव। तो लेकिन जब आपको के निकालना है तो के की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है ना, के कोई एरिया थोड़ा है। तो इसीलिए जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलना है आपको, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है के की वैल्यू 2 आ जाए, ठीक है। तो 2 के की वैल्यू आएगी, देखिए कैसे, ठीक है। हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1, यही होता है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बेटा? 35 स्क्वायर यूनिट। तो यस, तो मैंने यही कहा कि आपको प्लस माइनस क्या लेके चलना है? 35 लेके चलना है। क्यों लेके चलना है? क्योंकि आपके पास 35 क्या पता नेगेटिव भी हो, तो अभी आप 35 स्क्वायर यूनिट ही तो बोलेंगे एरिया को। मगर आपके पास सॉल्यूशन करके अगर -35 आया होगा तो भी तो 35 भी बोला होगा ना आपने स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसीलिए प्लस माइनस 35 लेके चलना है आपको एरिया को, ठीक है। और बाकी इसको एक्सपेंड कर देने का, देखिए 2 5 k, 2 5 और k, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम में, और -6 4 और 4, ठीक है, 1 1 1। ये आप वैल्यूज पुट अप कर दी इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 2 है वहाँ जाके 70 हो जाएगा, तो +-70 = अब इसको खोल दीजिए आप यहाँ पे, तो 2 × बोलिए 4 - 4, ठीक है, ये 4 - 4 तो 0 हो गया है ना। अब यहाँ पे माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 6, ठीक है, दिस तो ये हो जाएगा 5 1 = 5 - k, ठीक है। और उसके बाद लास्टली 1 × 4 5 = 20 - 4 k, ठीक है। ये एक्सपेंड किया हमने डिटर्मिनेंट को, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, 4 - 4 0 हो जाए तो 0 × something 0 ही हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस 6 5 = 30 - 6 k, और +20 - 4 k, और =+-70 आने वाला है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी चल रही है, तो इधर से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए +-70 = यहाँ पे क्या बचा? 30 और 20 50 हो गए, ठीक है, और 6 और 4 जो हो गए वो -10 k, ठीक है। अब देखिए, तो आपके पास अगर हम ये देखेंगे कि जो 50 है इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो दो दो वैल्यूज़ हम +-70 लेंगे ना, तो यहाँ से दो टू केसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो टू केसेस जब हम लेंगे तो यहाँ से हम एक बार तो +70 ले लेते हैं, 70 = 50 - 10 k, ठीक है। और दूसरा केस होगा -70 = 50 - 10 k, ठीक है। तो ये 50 70 उधर माइनस इधर आएगा ना, ये 50 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 20 = -10 k, और यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी बेटा, -10 इधर डिवाइड होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो के तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा तो -70 और -50 दोनों क्या हो जाएंगे? 120 हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस, और -10 k। तो आप देखिए 0 से 0 कट गई और माइनस से माइनस कट गया, तो के कितना आया अपने पास? 12 आ गया। के कितना आ गया? 12। तो देखिए के की दो वैल्यू आएगी, के अगर -2 भी रहेगा तो भी एरिया 35 आना है। आप चाहे ट्राई कर लेना, आप इसका के की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, ये जो -2 यहाँ पे पुट अप करिए, और फिर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करिए, तो आपके पास देखना है
माइनस 35 आएगा या 35 आएगा, फिर इसको देखेंगे तो ये एक बार माइनस 35 आएगा, एक बार प्लस 35 आएगा। तो आप जब माइनस 35 जब आपने यहाँ पे प्लस का लिया है ना, तो एक बार यहाँ से तो प्लस 35 आएगा माइनस के माइनस 2 लेके, और 12 लेके माइनस 35 आने वाला है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपने माइनस की ली है। ठीक है, तो इस तरह से दो वैल्यू आने वाली है के की। तो लेकिन आपको ये नोट इम्पॉर्टेंट था कि इसमें आपको जब एरिया गिवन होगा तो यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ठीक है, ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आपको दोनों साइन लेके चलना है, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि एरिया आपको ये नहीं पता ना कि नेगेटिव था या पॉजिटिव वैल्यू आई थी कैलकुलेट करके, लेकिन हमने लिया तो 35 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो ये अपने पास आई थिंक एनसीईआरटी का अपने पास ये 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहीं कर दिया, वहाँ से ये एमसीक्यू था। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ दी थी 12 और माइनस 2, फोर्थ ऑप्शन था शायद। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। लास्ट एक और थर्ड यूनिट, थर्ड जो पॉइंट है इसका मेन इम्पॉर्टेंट वो है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज जीरो। देखिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो कब होगा, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये तो हम 10th क्लास में भी करते थे कि जब तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। देखिए, तीन पॉइंट्स है, ठीक है, और तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर हम ये जो ये वाली लाइन होती है ना 45 डिग्री वाली, x इक्वल टू y लाइन है, सपोज ये x इक्वल टू y लाइन है, तो इसमें हम तीन पॉइंट ले लेते हैं 1 1, 2 2 और 3 3, क्योंकि इसमें दो तीनों ही बराबर आएंगे ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस लाइन के तीनों पॉइंट है a b c, ठीक है, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसलिए अगर हम इधर से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे तो देखिए जीरो आएगा, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं रही है। ट्राइंगल कैसे बनेगी जब तीनों लाइन, तीनों जो पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल बनी नहीं, इसका मतलब एरिया जीरो आने वाला है। तो एरिया फाइंड आउट करके देख लीजिए। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इन टू एक्स के कोऑर्डिनेट 1 2 3 1 2 3, वाई 1 2 3 और 1 1 1। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, 1/2 ये आ गया, 1 इन टू बोलिए 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, ये गया ये गया, 2 1 जा 2 माइनस 3 और प्लस 1 लास्टली, ये और ये डिलीट हो गया, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, ये देखिए, तो ये 1/2, ठीक है, ये गया ये गया, तो 2 माइनस 3 था ना ये, तो 2 माइनस 3 क्या हो गया बेटा, -1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है, -1 और -1 क्या हो गया, +1, और यहाँ तो 6 माइनस 6 0 0 इंटू 1 0। तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 0/2 यानी 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 0 आ गया। और क्यों आया 0, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कैसे थे बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स थे। तो देखिए, कभी भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 ही आएगा, क्योंकि एरिया बनेगा ही नहीं ना, एरिया ट्राइंगल का ट्राइंगल ही नहीं बनेगी तो एरिया कैसे आएगा उसका। ठीक है, तो जब ट्राइंगल नहीं है तो 0 है एरिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 रहेगा जब पॉइंट्स कैसे हो, कोलिनियर पॉइंट्स हो। ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और कुछ की पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे, उसको आपको समझना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।